नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट जो है रिपोर्ट को लेकर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैं आपके बारे में देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पहले ये रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा कथन सही है इट इज इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल फोरकास्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी इंडिया की पहली ये नेशनल फोरकास्ट की रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इनफॉर्मेशन दे रही है रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा बनाई गई है एज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट द सी सफेस टेम्परेचर जो है उसमें एक डिक्लाइन देखा गया अराउंड

असेस किया गया प्रिपरेशन किसके द्वारा करी गई है ट्रिपल सी आर जिसका नाम है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च और आई आई टी एम पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है ठीक है किसने बनाया है? वो मैंने आपको बता दिया मिनिस्टर साइंस वाली चीज सही हो जाती है यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट है नेशनल फोरकास्ट रिपोर्ट है ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को लेकर यह स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे एज पार्ट द रिपोर्ट सी सर्फिस टेम्परेचर की बात करें क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है तो सी सर्फिस टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा डिक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि यहां पे सी सर्फिस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैंने ये जान के क्वेश्चन बनाया था दीज आर द कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसको करेक्ट कर देंगे कैसे देखिए यहां पे देखिए मैं आपको कहता हूं कि एग्जामली नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नॉलेज से ही सोल्व होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि कॉमन सेंस से सोल्व हो जाएंगे तो यहां पर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट को देखते आपको समझ में आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है भाई यहां पे टेंपरेचरचर जो इंक्रीज हो रहा है अब वो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री टेन डिग्री फिफ्टी डिग्री कुछ भी आप मेरे को नॉलेज भी नहीं है मैं इसको छोड़ देता ये मेरे

ट ऑल द आंसर डेयर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि और आप कह सकते हैं कि रेयरली ऐसा होगा कि चार स्टेटमेंट दे रहे चारों के चारों आपको 100% परसेंट कॉन्फिडेंस के बारे में पता है कि ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी गलत है तीसरी ठीक है चौथी गलत ऐसा नहीं होगा वहां पर आपको एलिमिनेशन और कॉमन सेंस को यूज करना ही पड़ेगा जैसे कि यहां पर अगर आपको पहली दो स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता होता इवन तीसरी के बारे में भी नहीं पता होता लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते आप तो वहां पर आंसर आपका हो जाता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पकड़ा भी होगा और कॉमन सेंस को अप्लाई करके ये क्वेश्चन को ठीक किया भी होगा ठीक है तो इसी तरीके से तैयारी करिएगा मैं आपको बीच बीच में जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं जो जो खुद स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए वो मैं आपसे शेयर करता हूं तो प्लीज अगर आपको लगता है वो समझ में आती है वो चीज आपकी आपको पसंद आती है तो उसे जरूर जरूर अप्लाई करिएगा इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट मुझे इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा लाइक कर दीजिएगा मुझे समझ में आ जाएगा कि जो स्ट्रेटजी मैं अपनी आपसे शेयर करता हूं वो आपको पसंद आती है चलिए